देश की अर्थव्यवस्था पहले ही भगवान भरोसे नजर आ रही है। विपक्ष सरकार से अर्थव्यवस्था को लेकर सवाल पर सवाल कर रहा है, लेकिन क्या सरकार के पास हिचकोले खाती अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए कोई ठोस विकल्प मौजूद है? ये सवाल इसीलिए भी अहम है क्योंकि 14 मार्च को GST परिषद की बैठक होनी है और बैठक में कुछ सामानों पर GST दरों को बढ़ाने का फैसला भी लिया जा सकता है। एक रिपोर्ट देखिए। देश के मुखिया जनता को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना दिखा रहे हैं। डगमगाती अर्थव्यवस्था के बीच सपने को पंख लगते तो पहले ही नजर नहीं आ रहे थे। शेयर बाजार का हाल आप देख ही रहे हैं। कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था गर्त में जाती नजर आ रही है, जिसे उबारने के लिए मोदी सरकार के पास कोई प्लान शायद मौजूद नहीं है, क्योंकि केंद्र को तो ये हालात नजर ही नहीं आते। इसलिए सरकार बार बार मंदी की बात को ही नजरअंदाज कर रही है, जिसे लेकर विपक्ष के तीखे तीर भी सरकार पर चलने लगे हैं। मगर अब मोदी सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए जनता की जेब पर सेंध लगाने की कोशिश में जुटी है। जी हां, जनता की जेब पर महंगाई के काले बादल फिर से मंडराने लगे हैं। दरअसल कल यानी 14 मार्च को GST परिषद की बैठक होनी है, लेकिन लोगों को बैठक के बाद बढ़ने वाली महंगाई का डर सताने लगा है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में मोबाइल, जूते, कपड़े और खाद पर GST दरों को बढ़ाया जा सकता है, जिसका सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ने वाला है। GST की दरों को 12 से 18% तक बढ़ाया जा सकता है। मौजूदा वक्त में मोबाइल फोन पर तो 12% GST लगता है, लेकिन इसमें इस्तेमाल होने वाले कुछ कलपुर्जों पर 18% GST लगता है। इसके अलावा कपड़ों पर 5% GST लगता है, लेकिन कपड़े बनाने में इस्तेमाल होने वाले कुछ सामानों पर 12% GST लगता है। साफ है कि अगर इन वस्तुओं को 18% GST के दायरे में लाया जाएगा तो ये वस्तुएं महंगी हो जाएंगी। जनता की जेब पर सेंध लगाने के पीछे तर्क दिया जा रहा है कि कर की दरों को समान करने के लिए इन सामानों पर GST की दर को 18% किया जा सकता है, और ऐसा करने से विनिर्माताओं के पास पूंजी की स्थिति में सुधार हो सकता है। लेकिन अब महंगाई बढ़ती है तो इसका सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ेगा। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या सरकार के पास महंगाई बढ़ाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है? क्या सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए अब सिर्फ जनता के भरोसे है? DB Live की रिपोर्ट।